subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूपी कॉप ऐप से कैसे ऑनलाइन ई FIR दर्ज करा सकते हैं किसी भी मामले में, और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप इन सब भी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे इनके यूज कर सकते हैं, यूपी कॉप ऐप को जो है कैसे यूज किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपी कॉप ऐप को कैसे यूज किया जाता है और ये क्या है, इसमें ई FIR ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी मामले में, तो ये सब जानने के लिए हमारा वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर देते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे भाई कि अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। थाने की चक्कर आपको लगाने, जो भी काम आपको पुलिस थाने से करवाना पड़ता था, जैसे कि आपको कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, FIR दर्ज कराना है किसी मामले में, आपके मोबाइल गायब हो गई, पर्स गायब हो गए, लूट हो गई, कुछ भी मामले में FIR दर्ज कराने के लिए क्या करना, आपको थाने पे जाना पड़ता था। तो थाने पे जाने के जाते थे तो आपका टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पे मिलते नहीं है, कहते अभी नहीं, कल आना, कल नहीं, परसों आना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मुंशी और जो वहाँ के दीवान होते हैं वो आपको परेशान करते हैं कि 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, फिर FIR दर्ज होगा। तो ये सब आपको, इस सभी से आप छुटकारा पा सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे आप FIR दर्ज करा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं ऑनलाइन। एम्प्लाई वेरिफिकेशन कराना है यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी किराए पर रह रहे हैं वो वेरिफिकेशन कराना है तो वो भी यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। फिल्म की शूटिंग की परमिशन लेनी है, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। एक्सीडेंट कहीं हो गया तो आप वहाँ पे अलर्ट कर सकते हैं, एक्सीडेंट अलर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 27 तरीके की सुविधाएं यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना है तो यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा, यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इसमें FIR दर्ज किया जाता है, कैसे क्या क्या किया जाता है इसमें, तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो काल आज लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी नंबर लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे डिस्ट्रिक्ट CO का, डिस्ट्रिक्ट SP का, जो भी आपके अधिकारी का नंबर लेना चाहते हैं, सीनियर अधिकारियों का नंबर, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं उनका नंबर। तो मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट CO पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जितने यहाँ पे CO हैं, सर्कल अफसर, उनके नंबर आ चुके हैं, आप उनसे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई छोटे थाने में आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा यहाँ पे, आप अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर का भी नंबर यहाँ से ले सकते हैं आप, अपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं SP, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऐसे होगा। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं आपके एरिया में, आपके थाने में, वो भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा सबसे पहले तो FIR कैसे दर्ज करते हैं। ई FIR दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर ई FIR पर। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो FIR दर्ज करना है अपना नाम डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने डाल दिया अक्षय। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ, इसमें नाम आपका, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मेल ID डालना है, ज़रूरी है, और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है डालना। मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे डालेंगे तो आपके सामने एक OTP आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पूरा डालते ही ऑटोमेटिक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पे डाल देना है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप मोबाइल नंबर आपका पूरा होगा तो यहाँ पे ऐसे पॉपअप खुल के आ गया, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर, और OTP यहाँ पे आप डाल दें, ठीक है। OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा OTP डालने के बाद में, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे
जो एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एड्रेस आपका डालना है और सारी डिटेल यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका थाना, जो पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे आपको अगर आपका जो एड्रेस है रिसेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका दोनों एक ही है तो यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे दो जगह आपको एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन सारा सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल जाएगा और दूसरा पेज कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, FIR टाइप सेलेक्ट करना है, कैसे आपकी FIR है, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ये तो इंडिया ही रहेगा बाइट फोर, और यहाँ पे टाइप करना है FIR कैसे रहेगा, किस कैटेगरी में आपका, और यहाँ पे लिखना है FIR, जो भी आपकी FIR में आप लिख रहे हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप FIR कंटेंट में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए, लिखने से पहले देखो आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, आपको टाइप नहीं हो पाएगा। तो टाइप करने से पहले यहाँ पे आपको एक पेपर पे लिखना है और वो यहाँ पे चूज फाइल पर करके जो है फ्रॉम गैलरी से आपको उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे उसमें आपको मैं बता दूँ, लिखने के बाद जो भी मैटर आप लिखते हैं उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, अगर जब तक सिग्नेचर नहीं होगा ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपलोड करते ही यहाँ पे आप लिखना शुरू कर पाएंगे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे FIR कंटेंट हो जाएगा और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा फाइनल। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना FIR का जो है नंबर मिल जाएगा, FIR नंबर, आपको उसका थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो आप पेटीएम वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, इसकी कुछ फ़ीस होती हैं, अलग अलग FIR में अलग अलग फीसें होती हैं, तो वो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, फिर आपका जो है FIR रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके FIR पे क्या कार्रवाई हुई है। तो ट्रैक करने के लिए आपको बता दें, यहाँ पे बैक जाते हैं, आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक, यहाँ व्यू FIR दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे व्यू FIR पे और यहाँ पे एंटर FIR नंबर और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और किस डेट को जो क्राइम हुआ, किस डेट को इंसिडेंट और टू डेट, यहाँ पे दोनों डेट डाल के सर्च करेंगे तो आपके उसमें FIR नंबर पे जो कार्रवाई होगी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ अलग अलग तो सभी का बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हमने FIR दर्ज करने के लिए बता दिया, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ऐसे करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके क्षेत्र में जो रिवार्डेड क्रिमिनल हैं, जिनके ऊपर पैसे इनाम रखा हुआ है सरकार ने, उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको रिवार्डेड क्रिमिनल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर मनी सेलेक्ट कर देना है कि 25,000 तक जो सरकार ने इनाम रखा हुआ है, उससे ज़्यादा या उससे कम 25,000, तो हमने नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया, 25,000 से कम लिखते हैं और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो गोंडा ज़िले में किस डेट को कौन से थाना क्षेत्र में कितने कितने इनाम वाले लोग हैं अभी या फरार चल रहे हैं, इन पे इनाम रखा हुआ सरकार ने, यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नाम इनका आ रहा। तो इनको अगर आप पकड़वा दें तो पैसे भी मिल सकते हैं आपको इतने जो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए भाई और शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस नहीं, थैंक यू, जय हिंद।